अगर आज की तारीख में किसी का गुणगान होना चाहिए तो वो केवल सतगुरु नानक जी महाराज ही हैं। उन्होंने जो दुनिया को संदेश दिए हैं वो इतने प्यारे और प्रेरणादायक हैं कि उसे पढ़कर उन्हें जीकर जीवन बदल जाता है। साथियों, आज मैं आपके साथ जपजी साहब की तीसरी पौड़ी गावे कौ तान के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ और उसके अर्थ भी बताने की कोशिश करूँगा। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे का अर्थ है गाता और को का अर्थ है कोई, कोई मनुष्य उसके बल का गुणगान करता है। तान का अर्थ है बल। साथियों, सबसे पहले आप जान लें कि गुणगाना क्या होता है। अगर आप किसी एक्टर या एक्ट्रेस को देखकर कहते हैं कि इसके जैसा तो कोई नहीं, इसकी एक्टिंग बहुत प्यारी और असली लगती है, तो असल में आप उनके गुणों को बता रहे होते हैं कि वो अच्छा एक्टर है, अच्छा किरदार निभाता है, अच्छी आवाज है, डायलॉग में दम है, तो हम उसके गुणों का गुणगान कर रहे होते हैं। ऐसे ही अगर आप किसी चित्रकार के फैन हैं, या किसी नेता के, या किसी सिंगर के, या किसी अर्थशास्त्री, किसी खिलाड़ी के, या किसी वैज्ञानिक को आप जब पसंद करते हैं तो उसके काम को देखकर करते हैं, उसका काम उस व्यक्ति का गुण होता है। इसी तरह जब इंसान परमात्मा को इस कुदरत में देखता है तो उसके गुणगान करता है कि वाह वाह मेरे मालिक, कितनी सुंदर है तेरी कुदरत। गावे को तान होवे किसे तान, कि हे अकाल पुरख वाह, तुमने कैसे ये ब्रह्मांड, ये तारे, ये चांद सूरज अपनी ताकत से टिका रखे हैं। इतनी ताकत वाला तो कोई भी नहीं। गुरुजी फरमाते हैं कि कई मनुष्य उसकी ताकत का गुणगान करते हैं, उसके बल का गुणगान करते हैं। गावे को दांत जाने निशान। कोई इंसान ये देखता है कि हम तो कमा कर खाते हैं, मगर ये सारे जीव जंतु इनको खाने को कौन देता है, यह तो केवल आज पर जीते हैं, कल की इनको तो कोई चिंता भी नहीं। जब वह देखता है कि इनको खाना देने वाला कोई नहीं, मगर फिर भी कभी भूखे नहीं रहे, हर रोज इन्हें खाने देने का काम वह अकाल पुरख प्रभु परमात्मा खुद करता है, तो वो इंसान उस परमात्मा के गुण गाता है कि वो सबको रोजी देने वाला है, कि हे मालिक सबको दांतें देने वाला केवल तू ही है। परमात्मा की दात को परमात्मा का निशान समझकर उसका गुणगान करता है। और कौन कौन से और कैसे कैसे परमात्मा के गुण इंसान गाता है उसके बारे में गुरुजी आगे फरमाते हैं कि गावे को गुण वडियाइयां चार। चार का यहाँ अर्थ है श्रेष्ठ या सुंदर। गुरुजी फरमाते हैं कि कई इंसान उस मालिक के अनगिनत सुंदर और श्रेष्ठ गुणों को याद करके उसका गुणगान करते हैं और विस्माद होते हैं कि हे मेरे मालिक, तुम्हारे अंदर कितने गुण भरे पड़े हैं। गावे को विद्या विखम विचार। गुरुजी फरमाते हैं कि कई इंसान परमात्मा का गुणगान वेदों से करते हैं, शास्त्रों से करते हैं, बारीक से बारीक ज्ञान वाली किताबों व ग्रंथों से करते हैं और उसमें ही खो जाते हैं। साथियों, मालिक का जस गाने वाला उसमें ही समा जाता है। जितने ज्यादा उस परमात्मा के गुणों को हम गुरबानी से पढ़ते हैं, उतने ही ज्यादा हम उनके जैसे बनने लग जाते हैं। तो उसके बाद गुरुजी फरमाते हैं कि गावे को साज करे तन खेह, गावे को जी ले फिर देह। गुरुजी फरमाते हैं कि कोई मनुष्य ऐसे गाता है कि अकाल पुरख शरीर को बना के फिर राख कर देता है। ये देखकर इंसान उस मालक के गुणगान करता है कि हे मालक जी तेरी कैसी लीला है। और कोई ऐसे गाता है कि शरीरों में से जान निकालने वाला भी वही है और फिर उसमें जान फूकने वाला भी वही है। इसे देख देख कर उस मालक का गुणगान करता है, उसका सिमरन यानी उसे याद करता है, उसका जस गाता है। तो इस तरीके से भी उसको गाया जाता है, उसका गुणगान किया जाता है। उसके बाद गुरुजी फरमाते हैं कि गावे को जपे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर। गुरुजी फरमाते हैं कि कई मनुष्य कहते हैं कि वो तो दूर है, उसे दूर जानकर उसे याद करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि वो तो यही है, पास में ही है, सबके अंदर ही है। कुछ इस बात को जानकर उसका गुणगान करते हैं, यानी हर मनुष्य को जैसा परमात्मा दिखता है उसी तरीके से उसका गुणगान करता है, उसके गुण गाता है।
यह सारे तो वो गुण है जो इंसान देखता है, मगर मैं सोचता हूँ ऐसे कितने ही गुण और भी होंगे जो केवल परमात्मा खुद जानता है। खैर, आखिरी पंक्ति को हम पढ़ते हैं कि कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। गुरु जी हमको समझाते हैं कि अपनी तरफ से हर किसी ने परमात्मा के गुणों की कथा कथन की, मगर यह एक ऐसी कथा है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि उसके गुण इतने ज्यादा हैं कि खत्म नहीं हो सकते। तो इसकी ये कथा भी कभी ना खत्म होने वाली है। करोड़ों बार कई बेअंत जीवों ने उसके गुणों को बताना चाहा, पर सच बात तो ये है कि उसकी कथा अकथ है। गुरबानी में जैसे कहता है कि अकथा हर अकथ कथा किछ जाए न जाने राम, कि उसकी कथा अकथ है जिसका कोई अंत नहीं। सो उसके आगे और भी पंक्तियां हैं, मगर मेरी ये कोशिश थी कि मैं गावे के बारे में आपके साथ अपने विचार रख सकूं कि गावे का अर्थ क्या है। सो ये वीडियो यहीं तक थी, और गावे का अर्थ है उस मालिक के गुण गाने वाला। हम सबके जीवन में उस मालिक को उसके गुणों में देखा होगा। किसी का काम रुका तो कोई करवा कर चला गया तो हम कहते हैं कि कोई परमात्मा रूपी इंसान आया जो मेरा काम करवा कर चला गया। तो उस इंसान में हमने प्रभु का गुण देखा कि वो मदद करने वाला है। कभी हम कोई पंछी, कभी कोई पहाड़ी अच्छी लगती है तो हम उस मालिक के गुण गाते हैं कि वाह मेरे मालिक तेरी कैसी सुंदर कुदरत है, वाहे गुरु तो धन्य है। कोई उसे इंसान में देख लेता है, कोई उसे आसमान में, कोई उसे बारिश में देख लेता है, कोई रेगिस्तान में, कोई उसे दिल के अंदर देख लेता है, कोई उसे इम्तिहान में, कोई उसे खुद में देख लेता है, कोई अपनी संतान में। सो आओ साथियों हम सब मिलकर उस मालिक का गुणगान करें जिसने ये सारी दुनिया और हमको भी बनाया। आओ हम भी उसको समझें और गुरबानी के द्वारा जानें। धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।